बुधवार मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में तहसील लक्सर के मीटिंग हॉल में आमजन की समस्याओं के निराकरण हेतु तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में कुल 94 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 18 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वशिष्ठ अनुरोध पत्रों को प्रकरण के निस्तारण में लगने वाले समय के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने दिए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विभाग के अधिकारी को यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि तहसील दिवस में उनके विभाग से संबंधित कितने अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं, व साथ ही उनके पास उनका पूरा रिकॉर्ड भी होना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर पूर्व तहसील दिवस में आई समस्याओं के निस्तारण के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी ली व संतोषजनक जवाब न देने पर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने तहसील दिवस में कुछ विभागों के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर भी नाराजगी प्रकट की व ऐसे अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। आप सबको पता है कि जनपद हरिद्वार में ये बहुत अच्छा हमारे DM साहब की वजह से इनिशिएटिव चल रहा है। हम हर अल्टरनेट मंगलवार अलग अलग तहसीलों में जाके तहसील दिवस का आयोजन करते हैं। वैसे ही आज मंगलवार है और ये साल का पहला तहसील दिवस हमने तहसील लक्सर में यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया। आज के तहसील दिवस में हमारे को टोटल 94 यानी कि 94 मैं से शिकायतें बोलूँ या फिर अनुरोध बोलूँ, अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं। सारे प्रकरण शिकायत नहीं होते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अनुरोध करता है यहाँ पे आके सभी विभागों से अपने अपने संबंधित जो भी अनुरोध होते हैं वो करते हैं। तो टोटल मिला के हमारे को 94 ऐसे पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 18 यहाँ पे हमने मौके पे ही संबंधित विभागों से चर्चा करके निस्तारित कर दिया। साथ में जो बाकी सारी शिकायतें हैं या अनुरोध पत्र हैं उनको सभी विभागों को टाइम बाउंड बताया गया है कि 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर किस तरह से निस्तारित करना है, डिपेंडिंग अपॉन उस जो भी शिकायत है या फिर जो भी अनुरोध है उसका ग्रेविटी कितना है और उसमें उसको करने में कितना टाइम लगेगा।